Hi, my name is Pooja and I have cleared recently SBI PO Mains 2019 and I also joined a batch run by Anil Bhatnagar sir for interview preparation. Hello, this is Ayushi Mishra and I cleared SBI PO 2019 my first attempt. I have used the test series of ADDA, interview batches of ADDA and online classes. I also recommend the same for all the aspirants preparing for SBI PO because it might help you out. Thank you. क्या इंग्लिश है आपके लिए सरदर्द? बैंक हो या SSC, क्या इंग्लिश कर देती है कंफ्यूज? क्या अटक जाते हो ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम? CPO 2015 में आया हुआ क्वेश्चन जिसमें जिसके चार ऑप्शंस अवेलेबल थे, 90% बच्चों ने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी को चुना, जो कि दोनों ही बिल्कुल गलत थे। आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रामर का कौन सा रूल लगेगा? आपके ग्रामर से रिलेटेड ऐसे ही सारे डाउट्स को दूर करने के लिए और आपको ग्रामर में कॉन्फिडेंट करने के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक पेड लाइव बैच ग्रामर विद कॉन्फिडेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ bankersadda.com। 12 बज चुके हैं और हम सभी आपका स्वागत करते हैं बेस्ट 200 प्लस करेंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस के शो में, जो आने वाले SSC रेलवे सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो फटाफट जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन को शेयर करते चलिए, ठीक है, लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आज हम लोगों ने, आप लोगों ने कल देखा कि हम लोगों ने दिसंबर के करंट अफेयर्स पूरे कर लिए कल, तो हम लोगों ने पिछले 3-4 सेशन मिला करके हम लोगों ने वो सेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कैप्सूल हिंदी में लॉन्च हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, कैप्सूल हिंदी में लॉन्च हो गया। कल मैंने एक यूट्यूब पर सेशन किया था, उस वीडियो पे जाकर के देख लीजिए उसको कैसे डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरा आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। आप लोग बहुत दिन से परेशान थे, सर हिंदी में कैप्सूल कब आएगा, कैसे उसको डाउनलोड करना है, वो आप लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। अब एक कैप्सूल को जल्दी से ख़त्म करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग ने एक बैच भी लॉन्च किया है, जिसका नाम हम लोग ने मेगा कैप्सूल क्रैश कोर्स रखा है, जिसमें हम लोग 10 घंटे में पूरा कैप्सूल ख़त्म करने वाले हैं 3 दिन के अंदर, यानी 10 तारीख कल से ये बैच शुरू हो रहा है, यानी आज आपको इनरोल करने का लास्ट टाइम है। तो 9 बजे से 11 बजे कल चलेगी 2 घंटे, उसके बाद सैटरडे और संडे को 4-4 घंटे की क्लास लेकर के हम लोग 10 घंटे में पूरा कैप्सूल ख़त्म करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो कोड है Y162, ये जब कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ बहुत बढ़िया डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए करवा दिया। कुछ बच्चे कहते हैं सर रेट ज़्यादा है, तो रेट ज़्यादा है तो बच्चों इस पे हमने इस पे आपको 799 करा दिया है, ये जो 1300 रुपये था इसका रेट कम करा दिया, और आप Y162 कोड यूज़ करोगे तो कम से कम 40-50% का और डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा, यानी ये 400-500 रुपये के लमसम आकर के आपका रेट रुकेगा, ठीक है। तो आपको ये कोड वहाँ पे नहीं दिया होगा, ये मेरा कोड है, मैंने आपके लिए डिस्काउंट करा दिया है। Y162 कोड आपको बस याद रखना है, 162 Y162, ठीक है। जो लोग पीओ निकाल चुके हैं मेंस, उन सभी लोगों को बधाई हो, उनके लिए इंटरव्यू बैच हम लोग के डॉक्टर अनिल भटनागर सर के द्वारा दिया जा रहा है, जो ऑलरेडी इंटरव्यू पैनल में रह चुके हैं, ऑलरेडी SBI में जनरल मैनेजर चीफ मैनेजर तक पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल वो रिटायर्ड डॉक्टर अनिल भटनागर जी आपको पूरे टिप्स देंगे इंटरव्यू के। तो ये बैच आ चुका है, SBI क्लर्क की वैकेंसी आ गई है बच्चों, तो प्री की तैयारी शुरू कर देनी है अभी से ही, उसके लिए विजय पद कंप्लीट बैच आज से शुरू हो रहा है, मतलब 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आज उसका इनरोल करने का टाइम है। तो बस आपको Y162 कोड यूज़ करना है और बेस्ट डिस्काउंट इन तीनों बैचों पे आपको मिलना है, और वैसे भी आप उस बैच वहाँ पे जाकर अड्डा स्टोर पे जाकर के कुछ भी परचेज करते हैं तो Y162 कोड यूज़ करेंगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे। अब आइए हम लोग, अब यहाँ से हम लोग पुराने करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि नवंबर और दिसंबर के, है ना। यानी कि अगर LIC वाले बैच में आप लोगों ने देखा होगा तो ये देखा होगा आप लोगों ने कि हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब क्लर्क वाले मेंस में हम लोग, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर हो गया, अब हम लोग अक्टूबर नवंबर पहले लेके चलेंगे, फिर अगस्त सितंबर लेके चलेंगे, और फिर लास्ट टाइम पे हम लोग जनवरी के करंट अफेयर लेके चलेंगे, क्योंकि जनवरी में एग्जाम है तो जनवरी से भी आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस न्यू वैक्सीन टू कॉम्बेट टाइफाइड, टाइफाइड से निपटने के लिए नया टीका बनाने वाला निम्न में से कौन सा देश पहला बन गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आज हम रैपिड फायर खेलेंगे, तो आंसर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर आज मैं लेके आया हूँ डबल,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई डॉट 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 इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20, यानी 2019 विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में विश्व अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। अब आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं आंसर क्या है, पूरी दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट की क्या उम्मीद की जा रही है, 3% की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस सेंटर एंड डॉट 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 हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सटेंड 91 मिलियन यूएस डॉलर लोन टू मॉडर्नाइज द विजयनगर चैनल इरिगेशन सिस्टम। विजयनगर चैनल इरिगेशन सिस्टम याद रखना है, एंड प्रिपेयर रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान इन द कृष्णा रिवर बेसिन। अब आपको बताना है कि इस विजयनगर इरिगेशन सिस्टम के लिए 91 मिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला है किस बैंक से, किस बैंक से मिला है यह आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पे आपके आंसर सही हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जिस भी राज्य को लोन दे रहा है, केंद्र को लोन दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 योग्य देशों में से भारत की रैंकिंग क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो बिल्कुल आंसर बनेगा यहां पे 102 रैंकिंग बन रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो भी आपको पूछना है बेटा लास्ट में पूछिए, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। विक्रम साराभाई लाइब्रेरी कहां पर है, आईएम की किस ब्रांच में है, जिसने यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन कैटेगरी में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जीता है। फटाफट आपको बताना है, यानी आईएम डॉट 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 से विक्रम साराभाई लाइब्रेरी ने अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन की श्रेणी में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार जीता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा पुरस्कार जीता गया, तो बिल्कुल यहाँ पे किसने जीता, आईआईएम अहमदाबाद ने, यानी आईआईएम अहमदाबाद में है विक्रम साराभाई लाइब्रेरी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई लाइब्रेरी कहां पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है आईबीपीएस पीओ में। तो विक्रम साराभाई की 100वां बर्थडे मनाया गया, 100 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, सेनेटरी ईयर मनाया गया। तो विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस साइंस के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, क्योंकि इसरो के पहले हेड यही थे, अभी के सीवन है, और इन्हीं के नाम पे चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर था वो इन्हीं के नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद, बहुत बढ़िया दीपक सानी, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर और डॉट 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 इन ऑनर ऑफ द फाउंडिंग डेट ऑफ द FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना तिथि के सम्मान में हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप तो जान ही रहे हो। अब आपको ये भी बताना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO का मुख्यालय कहां पे है, फटाफट बताइए। एटलस मैप IIT हैदराबाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा 16 अक्टूबर, बिल्कुल आपके राइट आंसर यहाँ पे आ रहे हैं, FAO का मुख्यालय। अब आप लोग यहाँ पे फटाफट बताते चलिए साथ साथ ही, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज रैपिड फायर खेलना है, डबल क्वेश्चन लेके आज मैं आया हूं। तो वो हैज बीन एलिवेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन RBI, यानी RBI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED किसे बनाया गया, फटाफट बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे FAO का मुख्यालय आप लोग सही बता रहे हैं, रोम इटली में है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। जो लोग ने गलत बताया वो लोग इसको सही भी कर लेंगे, ओके। चलिए तो यहां पर अगर देखा जाए कि किसे ED बनाया गया है, तो रवि एन मिश्रा को ED बनाया गया है RBI का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन रेटेड बाई रैंड स्टैड एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड, निम्नलिखित में से किस कंपनी को रैंड स्टैड ने देश के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में घोषित किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
आपको बताना है इंडिया का मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर कौन है। तो बिल्कुल यहां पे अमेजॉन इंडिया देश का सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर है। अमेजॉन ने हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा कैंपस भी दुनिया का ओपन किया है। और दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पे सोनी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इसका हेड किसे बनाया गया है? आप सेना प्रमुख को जानते हैं, बाजवा को एक्सटेंशन मिल गया है, जनरल बाजवा वहां के सेना प्रमुख हैं, जो कभी भी तख्ता पलट करने के लिए जाने जाती है पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं। और उसके पाकिस्तान के राष्ट्रपति राशिद अलवी हैं और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो बिल्कुल यहां पे आपको बताना है, आंसर बनेगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI का हेड बनाया गया है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन, यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, पाक व्यंजन। गैस्ट्रोनॉमी में बेस्ट क्रिएटिव सिटी UNCCN ने किसे चुना है? यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसे चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, हैदराबाद को। ठीक है, तो बिल्कुल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल आंसर बनेगा 18 जून को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर बात की जाए, देखिए यहां पे लिख रहे हैं कुणाल कि ISI एक आतंकवादी संगठन है। तो ISI आतंकवादी संगठन है, उसी तरह तुम्हारे IB है, तुम्हारी रॉ है, उसको भी पाकिस्तान वाले आतंकवादी संगठन मानते हैं। आपके IB के जो हेड रह चुके हैं अजीत डोभाल साहब, जो इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करके सफलतापूर्वक वापस आ चुके हैं। उनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है? उनको आतंकवादी कहता है। तो इस तरीके की चीजें होती है, जो एक देश का जो भक्त होता है, देशभक्त होता है, दूसरे देश में गद्दार कहा जाता है, ऐसा होता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड टॉप फिगर इन द मुस्लिम ब्रदरहुड मोहम्मद मोरसे पास्ड अवे, ही सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ .. फ्रॉम 30 जून 2012 टू 3 जुलाई 2013। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड के शीर्ष जो है पर्सनालिटी जो थे मोहम्मद मोरसी जी, ये बहुत ही फेमस दुनिया के नेता थे, इनका निधन हो गया। इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल करेंसी लॉन्च्ड बाय फेसबुक दैट विल अलाउ इट्स बिलियन of users to make financial transaction across the globe? Facebook ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? तो बिल्कुल उसका नाम है लिब्रा। लेकिन अगर यहां पे आंसर बदल के पूछ ले कि वैलेट का क्या नाम है, तो आंसर बनेगा आपका कैलिब्रा। क्या आंसर बनेगा? कैलिब्रा। अभी वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के 189 मेंबर है, एक का मेंबर बनने के लिए दूसरे का मेंबर बनना पड़ता है। दोनों के वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है, दोनों ब्रिटेन वुड समिट से है, दोनों का आखिरी मेंबर नाउरू है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF में के इंप्लॉयियों को आपस में ट्रांजेक्शन करने के लिए और बिटकॉइन को समझने के लिए, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए, डिजिटल करेंसी को समझने के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक लर्निंग क्वाइंस नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF में कौन सी डिजिटल करेंसी चल रही है? आपस में इंप्लॉयियों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए उस नाम रखा गया है लर्निंग क्वाइंस। ये बात आपको याद रखनी है। डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन बना? यूनिसेफ, जिसने कहा है कि हम बिटकॉइन में भी पैसे ले लेंगे। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो न्यूयॉर्क में जिसका मुख्यालय है। तो बिल्कुल बच्चों, आपके लिए मैं एक रिमाइंडर फिर बता रहा हूं कि कैप्सूल का कोर्स आज जो है आप लोग को ज्वाइन करना है। 10 घंटे में हम लोग पूरा कैप्सूल खत्म करने वाले हैं। मेगा कैप्सूल का क्रैश कोर्स है। Y162 कोड यूज कीजिए, store.adda247.com पे जा करके। और हम लोग फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे को तो जब तक खत्म हो जाएगा तब तक हम लोग पढ़ेंगे। और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोग को मिलेगा, यानी आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर पाएंगे इस वीक में। तो बिल्कुल आप के लिए एग्जामिनेशन तक आप मल्टी और आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए यूजफुल होगा। बस Y162 कोड यूज करना है। हम इंडियन लोग लास्ट डेट पे जागते हैं, इसीलिए मैं लास्ट डे रिमाइंडर आपको दे रहा हूं। ठीक है,
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्रीन टी एंड व्हाइट टी ऑफ डॉट 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 हैव बीन रजिस्टर्ड एट जीआई टैग इन द कंट्री। तो जीआई टैग को क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, यानी भौगोलिक संकेतक कहते हैं। तो ग्रीन टी और व्हाइट टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी कहां की चाय है और जहां की वो चाय है वो इन भारत का पहला जीआई टैग पाने वाला चाय भी है। फर्स्ट जीआई टैग भी वहां की जो नॉर्मल चाय होती है उसको मिला था। तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा दार्जिलिंग की। तो दार्जिलिंग की जो चाय होती है उसको पहला जीआई टैग मिला था और इस बार वहां की ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी जीआई टैग मिल गया, बनी वो भी दार्जिलिंग के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 इस बार का 2019 का बहुत ही हॉट न्यूज रहा है। तो चंद्रयान 2 किस तारीख को लॉन्च किया गया था, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल 15 जुलाई को, देखो 15 जुलाई को इसका मिशन पहला भेजा जाना था, शुरू किया जाना था। नहीं, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो फिर वहां पे कुछ गड़बड़ी आ गई, टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से फिर 15 जुलाई को नहीं हुआ था। तो फिर 22 जुलाई को चंद्रयान 2 गया था। ठीक है, और किससे गया था? एक बहुत बड़े रॉकेट से गया था, जीएसएलवी। छोटे रॉकेट को पीएसएलवी कहते हैं, बड़े रॉकेट को कहते हैं जीएसएलवी। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बड़ा रॉकेट होता है जिससे भारी चीजें अंतरिक्ष में ले जाई जाती हैं। तो इसको इसरो वाले क्या बुलाते हैं? बाहुबली बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बाहुबली। जैसे बाहुबली शिवलिंग लेके चला गया था ना झरने के पास, वैसे ही इसको इसरो वाले बाहुबली बुलाते हैं। अब अगर चंद्रयान में बात की जाए तो चंद्रयान में लैंडर का नाम विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और जो उसमें सारे टेस्ट करने के, परीक्षण करने के लिए जो रोबोट था, उस रोवर का नाम क्या था? उसका नाम था प्रज्ञान। यह बात आपको याद रखनी, उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, के सीवन साहब इसके पूरे डायरेक्टर। और चंद्रयान 3 के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर, What is the name of Meghalaya based insurgent group which is recently banned by the government of India? Meghalaya स्थित विद्रोही समूह का नाम क्या है जो भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई लुम्बार्ड, आप लोग आईसीआईसी का फुल फॉर्म बताइए तब तक। आईसीआईसीआई लुम्बार्ड हैज बीन पार्टनरिंग विथ डॉट 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 टू ऑफर अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर। नॉन लाइफ इंश्योरेंस किसे कहते हैं? जनरल इंश्योरेंस कंपनी को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। जनरल इंश्योरेंस किसे कहते हैं? जो ऑटो का, कार का, बाइक का, ट्रक का, ऐसे इंश्योरेंस करती है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां कर देती हैं। स्टॉक का, फायर का, बिल्डिंग का, ये प्रॉपर्टी के भी इंश्योरेंस करती हैं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कहलाती हैं। तो जैसे आईसीसी की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी, उसका नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है? आईसीसी लुम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसने जो है किसके साथ पार्टनरशिप की है अपने जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? तो बिल्कुल यहां पर आंसर बनेगा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, अब पेमेंट बैंक से आप लोग को पता है कि पेमेंट बैंक को अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो उसको कम से कम अपना 5 साल का ऑपरेशन पूरा करना होगा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अब जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कर दी गई है वो 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। पेमेंट बैंकों के लिए अभी भी 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये बात, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और लगातार रिपीट हो रहा है, फिर आएगा। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज आर्मीज फर्स्ट फीमेल जेएजी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड ऑन द फॉरेन मिशन। विदेशी मिशन पर तैनात होने वाली सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनता है आपका लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में गेमिंग लोकपाल किसे बनाया गया है,
तो जस्टिस ए के सीकरी साहब को बनाया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट में, जो सिंगापुर हाई कोर्ट का एक विंग है, उसमें जज किसे बनाया गया, तो उसमें भी जस्टिस ए के सीकरी साहब को भी जज बनाया गया है। इंडिया के जज हैं, सिंगापुर के कॉमर्शियल कोर्ट के जज बनाए गए हैं इंटरनेशनल, क्योंकि मुद्दे को सॉल्व करना है तो पूरे नियम की पड़ताल होनी चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार खेल से सम्मानित किया गया, यानी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया स्पोर्ट्स की कैटेगरी में? तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा बजरंग पुनिया, हमारे पहलवान रेसलर बजरंग पुनिया साहब को दिया गया। बजरंग पुनिया साहब को इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में इंडिया में। अब बजरंग पुनिया के साथ किसे दिया गया था, और एक शख्स थे जिन्हें दिया गया था, उनका नाम आपको बताना है यहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ हैज रिलीज 28 पेज बुकलेट कॉल्ड, यानी यूनिसेफ ने भारत में एक 28 पेज का बुकलेट लॉन्च किया है बच्चों की कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए, तो उसको बताना है कि उस बुक का क्या नाम है। और इस समय FSSAI भी ईट राइट मूवमेंट चला रहा है, और ईट राइट सर्टिफिकेट मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मिल भी चुका है, और ये नई दिल्ली में ये मेला भी चलाया गया था, ईट राइट मेला। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ गया है, बिल्कुल दीपा मलिक से पूरा कमेंट बॉक्स भर गया है। तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रॉम उत्पम टू स्प्राउटेड दाल पराठा, यानी उत्पम से लेके स्प्राउटेड दाल पराठा तक आप खा सकते हैं, जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप ये टेस्टी चीजें खाएंगे, जिससे आपकी न्यूट्रिशन भी अच्छी रहेगी और वो टेस्टी भी होती हैं। आप इस तरीके से चीजों को खाइए, न कि जंक फूड बर्गर पिज्जा और इन सब चीजों को खाइए। ठीक है, चलिए सारे श्रीकांत लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक परियोजना शुरू की है जो शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे राज्य में 500 माध्यमिक स्कूलों को वर्चुअल क्लास से जोड़ने वाली है, वर्चुअल क्लास की बेनिफिट यहां पर मिलेगी। ठीक है, 500 सेकेंडरी स्कूल को वर्चुअल क्लासरूम मिलने वाला है, डिजिटल क्लासरूम मिलने वाला है, उस राज्य का नाम बताना है। तो बिल्कुल उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च ऊंचाई वाले लद्दाख के क्षेत्र में, जो अभी नया यूनियन टेरिटरी बन गया है, के लिए विशेष शीतकालीन ग्रेड किस प्रोडक्ट की आपूर्ति शुरू की है, जो सर्दियों के महीनों के दौरान माइनस डिग्री का जब तापमान हो जाता है तो अच्छी अच्छी चीजें जम जाती हैं, तो वो ऐसी जो है कि प्रोडक्ट होगा जो कि उस भी टेम्परेचर को वहन कर लेगा, सहन कर लेगा। तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा डीजल। तो बिल्कुल विंटर ग्रेड डीजल को यहां पे सियाचिन के लिए, लद्दाख के लिए सप्लाई किया जाएगा, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अरुंधति स्कीम टू प्रोवाइड 1 तोला गोल्ड टू ब्रिज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो गरीब, देखो उस राज्य में एक परंपरा है कि माँ बाप अपनी बेटी की विदाई में 1 तोला सोना देते हैं, चाहे जितने भी गरीब हो क्यों ना हो, लेकिन जो अति गरीब लोग हैं वो ये परंपरा नहीं निभा पाते वहां की, तो उनकी परंपरा को सरकार निभाएगी, यानी सरकार देगी उन लड़कियों को, गरीब माँ बाप की बच्चियों को शादी में 1 तोला सोना। तो बिल्कुल यहाँ पे आसाम की बात आती है, यानी आसाम। आसाम में अभी ये कहा गया है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आसाम में ही सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार है, वहां पे NRC लागू की गई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाए, उसके लिए आसाम से ही ये मुहिम चली थी, अब पूरे देश भर में आग फैल चुकी है।
प्रणाम योजना भी लॉन्च की थी आसाम ने। प्रणाम का एक फुल फॉर्म भी है, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी आसाम के गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, अगर वो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते तो उनकी ग्रॉस सैलरी का 10% काट के माँ बाप के अकाउंट में दे दिया जाएगा, और अगर कोई दिव्यांग भाई बहन भी उनके ऊपर निर्भर करते तो 15% काट के दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सरकार खुद ही कर देगी अगर माँ बाप ने कंप्लेन कर दिया तो। प्लांट फॉर प्लास्टिक मुहिम भी बोंगई गांव में चलाया गया था आसाम में, बोंगई गांव में, ये भी बता रहे, बहुत बढ़िया। अपना रोपण घर भी वहां पे शुरू किया गया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिशु ऐप भी चलाया गया, सुनीता महापात्रा बता रही, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। दुबई में इंडो अरब लीडर समिट एंड अवार्ड में भारत के निम्नलिखित पावर लिफ्टर में से किसे विजनरी लीडर ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है। अब यहां पे समझना कि दुबई में जो इंडो अरब लीडर समिट हुआ था वहां पे दो स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड मिला था। अभी आप लोग ने देखा कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे मिला है स्पोर्ट्स में, तो वो मिला है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, वो मिला है किसे, बजरंग पुनिया साहब को। अब यहां पे विजनरी लीडर ऑफ द ईयर किसे मिला है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल यहां पर महंत गौरव शर्मा आंसर बनेगा। अब महंत गौरव शर्मा किस गेम से रिलेटेड है, क्योंकि बजरंग पुनिया को आप लोग जान गए होंगे कि वो हैं रेसलर हैं, पहलवान हैं। महंत गौरव शर्मा किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो वो क्या है, पावर लिफ्टर है। क्या है, पावर लिफ्टर है, ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसे सामाजिक विकास में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के उपयोग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब ये सीएसआर फंड होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड क्या होता है, आपने देखा होगा इधर 4-5 साल में हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां अपना एक चैरिटी ट्रस्ट चला रही है। पहले ये इतने समाज सेवा के नाम नहीं काम नहीं करती थी, आप देखिए तो मुकेश अंबानी का एक नीता अंबानी फाउंडेशन चल रहा है, ऐसे हर कंपनी के कोई ना कोई, कोई एड्स के मरीजों का इलाज करा रहा है, कोई कैंसर के मरीजों का इलाज करा रहा है, कोई बच्चों के लिए स्कूल में टॉयलेट बनवा रहा है, कोई स्कूल में बैग बंटवा रहा है, कोई स्कूल को पेंट करवा रहा है। तो इस तरीके से सामाजिक काम, कोई किसी ऐतिहासिक धरोहर को गोद ले रहा है, वहां पे साफ सफाई करवा रहा है, उसको रिनोवेट करवा रहा है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये क्या बदलाव आ गया इन लोगों में, एक्चुअली इन लोग में कोई ऐसी समाज सेवा की भावना नहीं थी। एक कानून लाया गया जो दुनिया में ऐसा कोई कानून आज किसी और देश में नहीं आया था, यहां पे कानून लाया गया कॉर्पोरेट के लिए कि तुमको अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% समाज पे खर्च करना होगा, सामाजिक दायित्व है तुम्हारी, तुमको इसी समाज ने अमीर बनाया है, तुमको इस काबिल बनाया है कि तुम करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रहे हो, तो तुम्हारी भी समाज के प्रति कुछ दायित्व है, अगर तुम्हें अमीर बनाया गया है तो कुछ पैसा गरीबों पे बांटो। तो अपनी प्रॉफिट का 2% कंपनी को देना पड़ता है सीएस किसी भी सामाजिक काम में, तो अब सब लोग को ये टारगेट पूरा करना होता है। तो इस फंड का उपयोग सबसे अच्छा किस सरकारी कंपनी ने किया है, तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा नालको ने किया है। किसने किया है, नालको ने किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम, सुदर्शन बता रहे गुवाहाटी आसाम में, बिल्कुल गुवाहाटी आसाम में, पिछले बार वाला कहां हुआ था। निम्नलिखित में से किसे AIFF अवार्ड 2019 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा आशा लता देवी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। देखिए, एक होती है इंडियन ओलंपिक कमिटी, इंडियन ओलंपिक कमिटी के वो शख्स प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अब ये इंडियन व्यक्ति जो यहां के प्रेसिडेंट हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के मेंबर चुन लिए गए, यानी पहली बार कोई इंडियन पर्सनालिटी वहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का सदस्य बना है। अब उनका नाम क्या है जो यहां इंडियन ओलंपिक कमिटी के हेड भी हैं, और ये कई स्पोर्ट्स में ये भाग ले चुके, कई स्पोर्ट्स के कमिटी में ये मेंबर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो नरेंद्र बत्रा। तो क्या आंसर बनेगा यहां पे बच्चों, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, अच्छा ओलंपिक की बात हो रही है तो याद रखिए कि
आईओसी ने अपना एक मुख्यालय 125 साल बाद ओपन किया है, कहां पर? तो लुसाने में ओपन किया है। कहां पे ओपन किया है? लुसाने में। लुसाने कहां पे है बच्चों? स्विट्जरलैंड में। ये बात आपको याद रखनी है, 125 साल के बाद वहां हेडक्वार्टर बनाया, तो ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन पूछता है और ये तो अप्रत्याशित घटना हो गई है कि 125 साल बाद हेडक्वार्टर बना है। एथलीट्स के मेंबर पीटी उषा को बनाया गया वर्ल्ड एथलीट की, बिल्कुल दीपक सानी जी सही कह रहे हैं आप। ऑन विच डे वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? आप लोग को अपने देश का चिल्ड्रंस डे तो पता है कि 14 नवंबर को मनाया जाता है नेहरू जी के बर्थडे पर, क्योंकि उनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, उनको बच्चों से बहुत प्रेम था। लेकिन उसके पहले जो ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था और अभी भी पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर, यानी दोनों के बीच में कितने दिन का गैप है? 6 दिन का गैप है। इस तरीके से ट्रिक से याद रखना है आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि जनगणना 2021, देखो सेंसस हर 10 साल में होती है, 2001 में हुई थी, 2011 में 15वीं हुई और 2021 में 6ठी जनगणना 16वीं जनगणना होगी, ठीक है? 1872 से ये चल रहा है और 1881 में पहली डिकेडल सेंसस हुई थी, उसके बाद हर 10 साल कंप्लीट होने पर, डिकेड पूरा होने पर उस 10 साल का पूरा सर्वे होता है कि इस 10 साल में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, लिटरेसी रेट में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, पॉपुलेशन में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, सेक्स रेशियो में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, और वो डेटाज एग्जाम में आते हैं। और सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इस बार डिजिटल होगा पूरा, एकदम समझ लो टैबलेट पे होगा, यानी डेटा तुरंत जो है कि स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इस बार थोड़ा सा देख रहे हो विवाद भी होगा एनपीआर में, लोग अपना नाम रंगा बिल्ला बताएंगे, लोग अपना सही नाम नहीं बताएंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे। तो 16 लैंग्वेजेस में होने वाली है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? इकोनॉमिक सेंसस त्रिपुरा से शुरू हो चुका है, ये रितु सिंह बता रही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर रितु सिंह कि इकोनॉमिक सेंसस त्रिपुरा से शुरू किया गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ लोग सेक्स रेशियो और ये सब चीजें बताने भी लगे हैं, ईयर ऑफ डिवाइड भी बताने लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो सर डेविड एटनबोरो को इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, का सेशन पसंद आ रहा तो लाइक करते चलिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नेम द स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो रिसेंटली साइंड MOU विद IRCTC टू मेक एंड ऑपरेट द गोल्डन चैरियट ट्रेन। गोल्डन चैरियट ट्रेन राज्य पर्यटन विकास निगम का नाम बताइए जिसने हाल ही में IRCTC के साथ एक पार्टनरशिप की है और स्वर्ण रथ ट्रेन का संचालन किया है। IRCTC ने एक और ट्रेन लॉन्च की थी तेजस एक्सप्रेस, जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कही जाती है, कही जा रही है IRCTC के द्वारा चलाई गई, जो लखनऊ से दिल्ली जाएगी, ठीक है, जिसका योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन भी किया था, हरी झंडी दिखाई थी, जिसमें ट्रेन लेट होने पर पैसेंजरों को मुआवजा मिलेगा 100 रुपए घंटे के हिसाब से। अब यहां पे अगर गोल्डन चैरियट की बात कर लीजिए तो चैरियट यानी रथ से एक बात याद रखिएगा कि हम्पी का रथ मंदिर कितने रुपए के नोट पे है, ये आपको बताना है, हम्पी का रथ मंदिर कितने रुपए के नए नोट पर अंकित है। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, हम्पी में एक चैरियट टेम्पल है, रथ पे देखो आज नींव बना के फाउंडेशन बना के मंदिर बनाए जाते हैं, वो रथ पर मंदिर है, एक आश्चर्य है, यानी भारत में एक से एक चीज है, इसीलिए उसको नोटों पर अंकित किया जा रहा है टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो उसी के नाम पे इसका नाम गोल्डन चैरियट ट्रेन रखा गया है और जो उस राज्य से होते हुए पूरे वहां के टूरिस्ट प्लेस को घुमाएगी। तो बिल्कुल ये स्टेप लिया गया है, विजयनगर कहां पे है, हम्पी कहां पे है, तो बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक में। तो आप याद रखिएगा चैरियट से भी कर्नाटक याद रखिएगा कि ये रथ मंदिर कहाँ पे, हम्पी में, और हम्पी कहाँ पे है, विजयनगर कर्नाटक में है। तो बिल्कुल कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये काम किया गया और सब लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिए हैं कि 50 रुपए के नोट पे, बिल्कुल 50 रुपए के नोट पे हम्पी का रथ मंदिर है बेटा, 10 रुपए पे नहीं है, 10 रुपए पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, 50 रुपए पे हम्पी का रथ मंदिर है, 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश वाला,
और 500 रुपए के नोट पे तुम्हारा लाल किला है, रेड फोर्ट है दिल्ली वाला, और 2000 के नए नोट पे आपका मंगलयान है। ये बातें आपको याद रखनी होगी नए नोटों के विषय में। 2000 के नोट पे कितनी किनारे ब्लीडिंग लाइंस है जो ब्लाइंड लोगों के लिए जो है कि उनको पहचानने में आसानी रहती है, तो 2000 के नोट पे 7 लाइंस है, ठीक है। 500 के नोट पे 5 लाइन है, 100 रुपए और 200 रुपए के नोट पे 4 लाइन होती है किनारे, तिरछी लाइन होती है एकदम कॉर्नर पे। लेकिन 200 के नोट पे 4 लाइन है लेकिन बीच में 2 सर्किल भी है जिससे 100 और 200 में वो हो सके, ठीक है। इस तरीके से चीजों को याद रखिएगा। चलिए, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है गुजरात का, अभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना गया था 11वीं सदी में, भीम देव राय प्रथम द्वारा बनाया गया था रानी की वाव, एकदम सीढ़ी नुमा कुआं जहां अमिताभ बच्चन खड़े होकर कहते हैं नक्काशीदार उस कुएं को देख के पूरा तालाब है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोग के जवाब। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर का नाम पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल भारत का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए रखा गया, ठीक है। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर एग्जाम में आ जाता है पेटा, क्योंकि जानवरों की जो एथिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जानवरों की हत्या के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो चमड़ा उद्योग है, दांत उद्योग है, इन सबको जो है कि वो मना करता है कि ऐसा मत कीजिए। तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनाया जाता है। पिछली बार सोनम कपूर को बनाया गया था, इस बार किसे बनाया गया है, तो विराट कोहली को पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग हैज ऑक्यूपाइड द टॉप स्पॉट इन फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 की फॉर्च्यून्स बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। देखो बच्चों, यहां लाइव में जुड़ोगे तो लाइव में देखो इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे आपको बताते हैं हमारे चैंपियंस कि आपको बहुत फायदा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइव में जुड़िए जिससे बच्चे जो यहाँ पे लाइव चैट में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पढ़ाई हुई चीजें वो रिपीट करते हैं जिससे आपको फायदा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में टॉप पे कौन रहा है, सत्या नडेला रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर भी आ गया, सत्या नडेला। अच्छा, अजय बांगा मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, हेड हैं, ये सब इंडियन है जो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। और मास्टर कार्ड ने अभी टीम कैशलेस इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, टीम कैशलेस इंडिया लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। क्वेश्चन LIC में दोनों शिफ्ट में पूछा, एक में तो दो क्वेश्चन एक ही पे पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, कि मास्टर कार्ड ने जो टीम कैशलेस इंडिया लॉन्च किया उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी है। तो टीम कैशलेस इंडिया आपको याद रखना मास्टर कार्ड, और हेड कौन है पूरी दुनिया में, अजय बांगा यानी एक अमेरिका की कंपनी, हेड है अजय बांगा। सुंदर पिचाई किसके हेड हैं, तो सुंदर पिचाई पहले गूगल के हेड थे लेकिन अब गूगल की जो मास्टर कंपनी है, मदर कंपनी अल्फाबेट, उसके हेड हो गए। सत्या नडेला किसके हेड है, मास्टर वो माइक्रोसॉफ्ट के हेड है। शांतनु नारायण किसके हेड है, एडोबे के हेड है। और राजीव सूरी किसके हेड है, फटाफट बताइए, राजीव सूरी किसके हेड हैं, राजीव सूरी नोकिया के हेड हैं, नोकिया के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेम द स्टेट विच इज टॉप रैंक्ड स्टेट इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, वह राज्य जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में शीर्ष स्थान पर है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहां पे आंसर बनेगा तमिलनाडु, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में टॉप पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीजा की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु है, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री है। देखो IIFFI से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, क्योंकि ये इसकी गोल्डन जुबली थी, गोल्डन जुबली यानी 50th एनिवर्सरी को गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो इसमें पूछ लिया कि ये कहां पर हुआ IIFFI, तो मेरे हिसाब से ये गोवा में हुआ था, ठीक है। अब इसमें फोकस कंट्री कौन है, तो ये फोकस कंट्री है रशिया, ये बात आपको याद रखनी होगी कि रशिया की बहुत सारी मूवीज यहां पर दिखाई गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला पायलट का नाम बताइए जो भारतीय नौसेना के नौसैनिक अभियानों में शामिल होगी।
नेम दी फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया वो विल ज्वाइन नेवल ऑपरेशन ऑफ इंडियन नेवी। अब यहाँ पे इंडियन नेवी से मुझे एक बात याद आती है, जो अभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा था कि अभी तक आर्मी की एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर हुआ करते थे जहाँ पे एग्जाम होते हैं, फिर उनके सिलेक्शन होते हैं या डिस्क्वालीफाई करके भेज दिए जाते हैं। आर्मी में पोस्ट खाली रह जाए लेकिन टैलेंटेड बंदा ही अंदर आता है और कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उस एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर में। तो अभी नेवी ने भी अपना पहला एसएसबी, फर्स्ट एसएसबी ओपन कर दिया है। वो कहाँ पे ओपन किया है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, तो आपको याद रखना होगा कोलकाता में ओपन किया है। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत की पहली महिला पायलट जो नौसैनिक अभियानों में शामिल होगी, तो आंसर बनेगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। लेकिन अगर ये पूछ ले कि इंडियन एयरफोर्स की पहली पायलट जो अगले एयरफोर्स के मिशन में शामिल होगी, तो उनका नाम है भावना कांत, जो अगले मिशन में जाने के लिए सभी एग्जामिनेशंस को पार कर चुकी, सभी परीक्षणों को, सभी अग्नि परीक्षाओं को पार कर चुकी हैं, अब अगले मिशन में जाने के लिए एकदम कैपेबल हो गई हैं। ठीक है, अगर पहली महिला पायलट पूछा जाए जो अभी पिछले साल इंडियन एयरफोर्स में जेट प्लेन अकेले चलाने वाली पहली महिला अगर पूछा जाए पायलट, तो वो थी अवनी चतुर्वेदी। क्या नाम था? अवनी चतुर्वेदी। अगर ये पूछा जाए कि सोलो अकेले अटलांटिक ओशियन पार करने वाली महिला कौन थी, पायलट कौन थी पहली, तो वो थी आरोही पंडित। ठीक है, पहली इंजीनियर कौन थी, तो हीना जायसवाल। पहली इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स में महिला कौन है, हीना जायसवाल है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, यानी इस बार का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर बना था। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने डिस्कस करता रहता हूं कि किस देश की पार्लियामेंट ने दुनिया में सबसे पहले क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो यूनाइटेड किंगडम ने की थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर एक लास्ट रिमाइंडर मैं आप लोगों को देता हूं कि मेगा कैप्सूल का आज से क्रैश कोर्स आपको ज्वाइन करना है, जिसमें 3 दिनों में हम लोग कल परसों नर्सों में पूरा कैप्सूल खत्म करेंगे और डिटेल्ड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, बैंकिंग की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये हम लोगों का कोर्स चलेगा और लंबा मैराथन चलने वाला है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, अड्डा स्टोर पे जाके विजिट करना है, Y162 कोड यूज करना है और बेस्ट डिस्काउंट यूज करना है, क्योंकि इसकी प्राइस मैंने कम करा दी, अब ये 400 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगा Y162 कोड यूज करने पे। ठीक है, तो चलिए store.adda247.com आप लोग आज विजिट कर लेना। ठीक है, अगर आपके कोई बैंकिंग के क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग बैंकिंग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। बिल्कुल दीपक सानी सही कह रहे हैं कि आयरलैंड 2nd नंबर पे है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़े बैंकिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते, जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि बियर मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। चलो तो बियर मार्केट तो पहले, और बुल मार्केट भी लिख लो। बियर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट, जब शेयर मार्केट अप पे होता है, शेयर मार्केट में जब हाई जाता है शेयर मार्केट, यानी शेयर मार्केट में शेयर प्राइस अप जाते हैं कंपनियों के, तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। क्योंकि बुल क्या करता है, सिंग से उठा करके हर चीज को ऊपर फेंक देता है, और जो बुल होता है वो एकदम गर्म होता है। तो बिल्कुल जब मार्केट में गर्मी होती है तो वो बुल मार्केट कहलाता है। और बियर क्या होता है, सफेद भालू, जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो जब एकदम सुस्त होता है, तो जब मार्केट सुस्त होता है और मार्केट में जब शेयर के प्राइस गिर रहे होते हैं, तो उन्हें हम बियर मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीएम, देखो एक होता है बेटा व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है कि एटीएम भी नॉन बैंक का होता है और सर्विस भी नॉन बैंक एंटिटी देती है, उसे व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। जैसे टाटा इंडी कैश, मुथूट फाइनेंस, कोई बैंक नहीं है लेकिन उसके एटीएम है, तो वो व्हाइट लेबल एटीएम होता है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़ रुपए। एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है, जिसमें एटीएम तो बैंक का होता है लेकिन सर्विस नॉन बैंक देती है, क्योंकि वो कहीं प्लेटफॉर्म पे है, कहीं एयरपोर्ट पर है, कहीं नेशनल हाईवे पे, वो दूर होता है।
एक होता है बैंक एटीएम, बैंक एटीएम में एटीएम भी बैंक का होता है और सर्विस भी उस बैंक की ब्रांच की, कैशियर की और ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, वो प्योर बैंक का एटीएम होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑन साइट एटीएम होता है जो बैंक के प्रेमाइसिस के अंदर होता है, ऑफ साइट एटीएम होता है जो बैंक के प्रेमाइसिस के बाहर होता है, एक मोबाइल एटीएम होता है जो व्हील पर होता है, मोबाइल फोन जैसे तुम कहीं भी ले जा सकते हो, उस एटीएम को आप कहीं भी ले जा सकते हैं जहां जरूरत है, यहीं मेला लगा है, कहीं कहीं रश है, कहीं कोई एटीएम खराब हो गया, वो मोबाइल एटीएम वहां पे चला जाता है, यानी एटीएम ऑन व्हील होता है, ठीक है। अच्छा दिवाकर, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी पे मैंने एक सेशन लिया था हसनैन खान, आप उसको सर्च करेंगे तो शायद मिल जाएगा, ठीक है। अभिलाषा कुमार पूछ रहे हैं कि फिएट मनी किसे कहते हैं, फिएट मनी, फिएट मनी देखो बच्चों उसे कहते हैं जिस मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसका कोई, फिएट मनी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से करेंसी होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से उसे हम लोग फिएट मनी कहते हैं। जैसे कि 2000 का नोट 5 रुपए की भी कीमत नहीं होगी उसकी, लेकिन हम उसको 2000 रुपए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से कह रहे हैं हम उसको कि वो 2000 रुपए की वैल्यू रखती है। जैसे 1000 का नोट आज तुम्हें क्या दिखता होगा, कागज का टुकड़ा दिखता होगा, क्यों, क्योंकि 8 नवंबर को मोदी जी आए थे रात में 8 बजे, उन्होंने कह दिया था कि दोस्तों मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं होगा, तो अब वो आपके लिए खिलौना हो गया। अब अगर 1000 नोट किसी की अलमारी से निकल जाए तो वो उसको क्या समझेगा, वो अपने बच्चों को खेलने को दे देगा, लो भैया अब उसकी 1000 वैल्यू नहीं रही क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी करेंसी जो गवर्नमेंट ऑर्डर की वजह से करेंसी होती, उसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है, ऐसी को कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिस्क, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग, टाइप्स ऑफ रिस्क, ऐसे रिस्क जिनकी वजह से कोई बैंक डूब जाती है या कोई बैंक में लॉस होता है या डूब सकती है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे एक होता है क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर बैंक ने लोन दिया है मार्केट में, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक डूब सकती है, तो एक तो हो गया क्रेडिट रिस्क, गलत लोन दिया जाए और वो डिफॉल्ट कर जाए तो क्रेडिट रिस्क होता है। दूसरा होता है ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जब मार्केट में जब इंटरनल प्रोसेस फेलियर हो जाता है बैंक का, यानी अंदर के लोग ही करप्ट हैं, अंदर के लोग ही गबन कर रहे हैं और अब जो है बैंक का ऑपरेशन नहीं चल सकता, यानी इंटरनल प्रोसेस में ही पूरा फेलियर हो गया जिसकी वजह से बैंक डूब सकता है, तो ये ऑपरेशनल रिस्क हो गया, ओके। मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क होता है कि जब बैंक लोन देकर के कमाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट करके भी तो कमाती है, अब मार्केट में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, मार्केट पूरी क्रैश हो जाए, यानी शेयर्स पूरे क्रैश हो जाए, तो शेयर्स क्रैश होने से दो नुकसान होता है, एक तो बैंक का खुद का शेयर का प्राइस भी गिरता है और दूसरा उसने जहां इन्वेस्ट किया होता है वो भी ध्वस्त हो जाता है। तो उसकी वजह से जब बैंक डूबी थी, जैसे अभी जो क्राइसिस आई थी 2008 में, तो वो मार्केट रिस्क की वजह से कई सारे बैंक डूब गए थे पूरी दुनिया के, तो इंडिया में इसका असर नहीं आया था लेकिन पूरी दुनिया में 2008 में बहुत सारे बैंक डूबे थे इसी वजह से, मार्केट रिस्क की वजह से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बहुत सारे रिस्क हैं और भी जो आजकल पूछे जाते हैं, ये तीन तो मेन है, अब इन्हीं तीनों के अंदर में बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। अब जैसे एक आ जाता है बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या कहलाता है बच्चों, बिजनेस रिस्क होता है कि जब देखो एक बिजनेस क्या होती है, बैंक भी एक कंपनी है, जब बैंक को लगातार लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, तो कोई कंपनी या कोई दुकान कितने दिन चलेगी, नहीं चल पाएगी, तो जब लॉस होने की वजह से कोई बैंक डूबती है तो उसे हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा रिप्यूटेशनल रिस्क, बैंक का बिजनेस ही पूरा
गुडविल पर है। किस पर है? गुडविल पर है। अब देखो, जब पीएनबी में ये नीरव मोदी पैसा लेके भागा था तो उसका नाम आया मार्केट पीएनबी घोटाला, पीएनबी घोटाला, पीएनबी घोटाला। तो पीएनबी का रिप्यूटेशन डाउन हुआ, लोग पीएनबी से पैसा निकालने लगे कि 11,500 करोड़ मेरा ना डूब जाए। अभी पीएमसी बैंक वाला आपने क्राइसिस देखा। तो जब किसी बैंक की गुडविल ही खराब हो जाती है तो फिर वो भी बैंक डूब जाएगी, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी अगर उसको बैक सपोर्ट नहीं होगा सरकार का, आरबीआई का। तो देखिए, अभी रिप्यूटेशन बनाने के लिए पीएनबी ने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे उसके, ठीक है। उसके बाद बेटा रिस्क होता है बहुत सारे, जैसे फॉरेक्स रिस्क। फॉरेक्स रिस्क क्या होता है? फॉरेक्स रिस्क होता है कि आपने किसी फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो डूब जाए, फॉरेक्स रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क कि आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने इन्फ्लेशन से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया तो आपको घाटा हो जाएगा। हमेशा इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट जो चल रहा होता है इंटरेस्ट रेट उससे ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस एसबीआई में पूछे भी जाते हैं कि अगर किसी बैंक ने 12% की ब्याज पर आपको लोन दिया है और इन्फ्लेशन रेट 7% चल रहा है तो बैंक को होने वाला इफेक्टिव फायदा बताइए, इफेक्टिव प्रॉफिट। तो आप फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ग्रॉस, उसमें से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? तो 5% बचेगा। तो ये होता है एक्चुअल फायदा। तो हमेशा इंटरेस्ट रेट सोच समझ के बैंकों को रखना होता है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। लिक्विडिटी रिस्क होता है, जैसे बैंक के पास लिक्विडिटी ही नहीं बची है कि वो डे टू डे ऑपरेशन कर सके, डेली की एक्टिविटी कर सके, तो वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। बहुत सारे रिस्क होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रेरणा राय पूछ रही, सर फिड्यूशरी मनी क्या होता है? फिड्यूशरी मनी बेटा क्या होता है, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यास मुद्रा। क्या कहते हैं? न्यास मुद्रा। यानी किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से ये मुद्रा के रूप में नहीं चल रही है, बल्कि आपसी विश्वास के रूप में इसका लेन देन होता है। कोई गवर्नमेंट नहीं कहती कि इसको मुद्रा के रूप में बाध्य नहीं करती है, कंपेल नहीं करती है। जैसे कि बैंक का चेक, बैंक का चेक क्या है? रिसीवर लेना चाहेगा कि हाँ हम चेक में पेमेंट ले लेंगे तभी आप इसको दे सकते हो, लेकिन अगर रिसीवर ने मना कर दिया कि नहीं भैया हम चेक में पेमेंट नहीं लेते, आप हमको कैश में पेमेंट कीजिए या डीडी में पेमेंट कीजिए, तो फिर आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं तुमको लेना पड़ेगा। तो ऐसी मुद्रा को फिड्यूशरी मनी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने बच्चों बहुत सारी चीजें समझी होंगी। नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो, एस्क्रो, ये सब पूछ रहे हैं आलिजा खान। तो बेटा देखो, नॉस्ट्रो मैंने कल आप लोग को बताया था, नॉस्ट्रो अकाउंट मैंने आपको बताया था कि एसबीआई गई विदेश लंदन, ठीक है, और वहां की करेंसी में यानी पाउंड में, वहां की बैंक में यानी एचएसबीसी बैंक में जो अकाउंट ओपन करती है उसे हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, समझ लो एग्जांपल से। यानी कोई इंडियन बैंक फॉरेन में जाती है, फॉरेन की करेंसी में, फॉरेन के बैंक में अकाउंट ओपन करती है तो वो कहलाता है नॉस्ट्रो अकाउंट। इसी को उल्टा कर दो तो वो वॉस्ट्रो हो जाएगा, मतलब एचएसबीसी आई इंडिया में, एसबीआई में उसने अकाउंट ओपन किया और इंडियन रुपीज में, तो फिर वो क्या हो जाएगा? वॉस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। यानी कोई विदेशी बैंक इंडिया में इंडियन करेंसी में इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन कराती है तो वो वॉस्ट्रो हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे समझ लो कि एसबीआई ने पहला अकाउंट खुलवाया था एचएसबीसी में तो वो नॉस्ट्रो कहलाया था। अब उसके बाद पीएनबी आती है, बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, कोई और बैंक आती है लंदन में और वो अकाउंट खुलवाती है, तो मान लो पीएनबी अब अकाउंट खुलवाएगी दूसरा एचएसबीसी में तो वो अब नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं कहलाएगा, अब उसको लॉरो अकाउंट कहा जाएगा। यानी कि जब
दूसरा अकाउंट खुलेगा तो अब वो लॉरो अकाउंट कहलाएगा, यानी कि अब जितने भी आगे के बैंक्स आएंगे, एसबीआई ने नॉस्ट्रो ओपन करवा दिया, अब इसके थ्रू ही वो जुड़ते चले जाएंगे एचएसबीसी के अकाउंट के साथ। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोई भी बैंक हो गया, तो वो लॉरो हो गया। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? वो थर्ड पार्टी होता है, वो थर्ड पार्टी जो है उसमें जो है कि पेमेंट लिया जाता है, यानी बीच में थर्ड पार्टी आ जाती है दो पार्टियों के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में, तो वो एस्क्रो अकाउंट का यूज करती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेक्स कल बता दिया जाएगा अमृता, अब आज तो मेरे हिसाब से टाइम खत्म हो गया है। सर पीसीआर टीम टाइम है हम लोग पास, टेक्निकल टीम, हाँ ठीक है, तो चलिए आज रखते हैं। एसडीआर हसनैन खान पूछ रहे हैं, एसडीआर बेटा आईएमएफ की करेंसी होती है, आईएमएफ जब भी किसी कंट्री को लोन देता है तो एसडीआर में ही लोन देता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। ये एक बुक कीपिंग एंट्री होती है, कोई ऐसी करेंसी नहीं होती जो आपको दिखाई दे, बस आईएमएफ के रिकॉर्ड में एंट्री होती है एसडीआर, इसीलिए इसको पेपर गोल्ड कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस करेंसी को, दुनिया की किस करेंसी को पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो आईएमएफ की करेंसी एसडीआर को ही कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन कहते हैं बेटा, जब मंदी में महंगाई होती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि एक तरफ तो मंदी चल रही है, रिसेशन का दौर चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, और उसी समय महंगाई की भी मार है, तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। सब पढ़ा दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ मनी भी बताया जाएगा, तो बस आज का तो टाइम अप हो गया है, उधर से फरमान आ रहा है, 3 मिनट बचे हैं, अगला सेशन भी शुरू होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन पसंद आया है तो उसको शेयर करना खूब ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। My name is Pooja and I have cleared recently SBI PO mains 2019 and I also joined a batch run by Anil Bhatnagar sir for interview preparation. Hello, this is Ayushi Mishra and I cleared SBI PO 2019 my first attempt. I have used the test series of Adda, interview batches of Adda and online classes. I also recommend the same for all the aspirants preparing for SBI PO because it might help you out. Thank you.